हेलो फ्रेंड्स, मैं यह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हमेशा फिट पर। साथियों, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये वीडियो जो है वो फैट लॉस के पॉइंट्स के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले, या अगर आप अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर चुके तो उससे पहले आपको अपने बारे में रिसर्च करना होगा कि आपका फैट कितना बढ़ा हुआ है, आपको कितना वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका फिलहाल बॉडी वेट कितना है। आपको पहले अपने बारे में रिसर्च करना होगा, फिर आप जो खा रहे हो उस खाने के बारे में रिसर्च करना होगा, और फिर सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इस का है कि फैट लॉस का बेसिक्स क्या है, यानी क्या बेसिक पॉइंट्स हैं फैट लॉस के, जिससे हम कम एफर्ट्स लगा के और सही से रिजल्ट पा सकें, यानी कि सही से परिणाम हमें मिल सके। साथियों, फैट लॉस का जो बेसिक है वो ये है कि आपको पहले अपना गोल सेट करना होगा कि भाई हमें फैट लॉस करना क्यों है। आप अपने डॉक्टर के एडवाइस पर वेट लॉस कर रहे हो, या आप अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल में जाना चाहते हो इसलिए आप वेट लॉस कर रहे हो, अपना बॉडी लुक सुधारने के लिए फैट लॉस कर रहे हो, या फिर आपने अब तक अपनी जो लाइफ है वो अपनी डल कंडीशन में, यानी कि अपनी जो एनर्जी का एक लेजीनेस होता है ना, एक लैक ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की कमी, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरीके का कि आप महसूस कर रहे हो कोई आपको चिढ़ा रहा है, आपको महसूस रियलाइज करा रहा है कि आप इतने मोटे हो, कितने भद्दे लगते हो, ये है वो है, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया कि भाई आपको फैट लॉस करना चाहिए, किसी बीमारी के चलते आपका जो फैट है वो बढ़ गया और अब आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है, या आपको एक्स्ट्रा वजन यानी कि वेट जो है आपका ज़्यादा बढ़ने की वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आपके घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, और आपका जो है जो भोजन है वो सही तरीके से नहीं पच पाता, या आप कोई भी काम है मेहनत वाला वो नहीं कर पाते, यानी कि वेट का कुछ भी काम, ओवरऑल आप कुछ भी लगा लीजिए कैसा भी कोई काम इसलिए कर रहे हो, या फिर आप अपना लुक सुधारने के लिए फैट लॉस कर रहे हो, सबसे पहले आप एक गोल सेट करिए कि भाई आप फैट लॉस कर क्यों रहे हो, उसके बाद आप अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। दूसरा फ्रेंड्स, ये जो आपका फैट है ये एक दिन में नहीं बढ़ा, तो इसीलिए ये एक दिन में घटेगा भी नहीं। आप ये बिल्कुल सोच के मत चलिए कि आप दो दिन, चार दिन, दस दिन जिम गए और आपने अपना फैट लॉस कर दिया और आप जैसे थे वैसे ही पहले जैसे हो गए, तो ऐसा कतई नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच के करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक है ना कि फायदेमंद। तीसरा, आपने ऐसा सोच के अगर जिम में जाना शुरू कर दिया किसी को देख के, किसी के कहने से या फिर डॉक्टर के सजेशन से, तो उसके पहले आप ये रिसर्च करिए कि फैट लॉस के जो बेसिक्स हैं वो होते क्या हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपने खान पान के बारे में रिसर्च करिए, आप क्या खा रहे हो, क्या आपको खाने की ज़रूरत है और क्या आपको नहीं खाने की ज़रूरत है। उसके बाद में आप ये रिसर्च करिए कि आपका जो फैट है यानी कि वेट है वो कितना एक्स्ट्रा है आपके आइडियल वेट से। इसके लिए बहुत सारे ऐप होते हैं, उनमें आप अपना आइडियल वेट पता कर सकते हो कि हाइट के हिसाब से आपका जो आइडियल वेट है वो कितने है और कितना होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में आप रिसर्च करिए कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो किस तरीके का है, एक्टिव है या सेडेंटरी है, आप फिजिकली एक्टिव रहते हो या फिर नहीं रहते, आप अपने वर्क जो आपका जॉब प्रोफाइल है उसको भी अपने जो एक्टिविटी लेवल है उससे ट्रैक करिए और उसके साथ कंपेयर करिए, क्या आप वर्कआउट का तालमेल उसके साथ बिठा पाओगे, आप टाइम दे पाओगे नहीं दे पाओगे, उसी हिसाब से जितना आप पे समय है उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम निकालिए और अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप पर डे, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा आपसे ये कह रहा हूँ, आप चाहे पर डे एक मिनट अपने फिटनेस को देकर देखिए, अपने शरीर को फिटनेस के लिए अपना टाइम देकर देखिए एक मिनट, आपके उस एक मिनट से भी आपकी बॉडी पर वो रिजल्ट आएंगे, वो इफेक्ट आएगा कि
आपको खुद महसूस होगा कि हाँ आपका एक मिनट भी बहुत कीमती रहा। लेकिन साथियों देना होगा कंसिस्टेंसी के साथ, लगन के साथ में, जुनून के साथ, जोश के साथ। ऐसा नहीं चार दिन आपने कर लिया दो दो तीन तीन घंटे वर्कआउट, अब क्या हुआ डीमोटिवेट हो गए, वर्कआउट छोड़ दिया ऐसी की तैसी, कुछ नहीं सत्यानाश, जो पहले जैसा था उससे भी बेकार। तो इसलिए फैट लॉस की बेसिक्स को समझिए, रिसर्च करिए और उसके बाद में स्टार्ट करिए अपनी फैट लॉस जर्नी। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, आगे कल के वीडियो में बात करेंगे हम डाइट के बारे में, क्या हमारी मेंटेनेंस कैलोरी होनी चाहिए, क्या हमारी जो है हमें कितना वेट लॉस करना है और फिर कितने समय में करना है, उसके लिए हमें कितनी कैलोरी डाउन करनी पड़ेगी, उसके बारे में न्यूट्रिशन की प्रॉपर जानकारी उस वीडियो में मिलेगी। और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के बारे में और सारे पॉइंट्स के बारे में बात करें। आज के वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप रिसर्च करके बताइए कि आपको अगर अपनी बॉडी का 1 किलो फैट कम करना है तो आपको कितनी कैलोरीज खर्च करनी होंगी।